स्वयं को ऐसा बनाओ जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार की बात है, वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुंचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं तो प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं, मुनिवर आप खुद ही देख लो। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो किसी मुनीम को दे दीजिए। प्रभु बोले, नारद नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु ऐसा क्या काम है, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद इस बही खाते में मैं उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मुझे हर पल भजते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो मुझे मेरे प्रभु सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर भी उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है, क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? फिर नारद मुनि हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा पर आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु के पास एक दूसरी डायरी भी है, उसमें भी वो हमेशा कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है आप अपनी अलग से एक डायरी भी रखते हैं, उसमें भी आप कुछ लिखते हैं। प्रभु श्री राम बोले, हाँ पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी ने कहा, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का मतलब यह है कि जो भगवान को सिर्फ जिह्वा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के वे स्वयं भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं। जय श्री राम। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।